नमस्ते, मैं अपराजिता और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ ये कोरिएंडर राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोरिएंडर राइस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो है घी 2 चम्मच, 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, थोड़े से काजू, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, 1 स्मॉल साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/2 प्याज लंबाई में कटा हुआ और 1 छोटा गाजर बारीक कटा हुआ। इसके अलावा पके हुए चावल, और इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है धनिया की पत्ती और प्याज मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 हरी मिर्च और 3-4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसे हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे बिना पानी डाले हुए। तो पहले हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। मैंने इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, तो चलते हैं अब फटाफट कोरिएंडर राइस की तैयारी करते हैं। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें घी डाल देंगे। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी के गर्म होते ही इसमें लाल मिर्च और ये तेज़पत्ता डाल दें। उसके बाद ये काजू डाल करके हम इसे हल्का सा भून लेंगे। मेरे काजू ब्राउन होने लगे हैं तो इसमें मैं ये प्याज जो लंबे स्लाइस में कटा हुआ है ये डाल दूंगी। इसे भी हल्का सा भून लें। 1 मिनट प्याज को भूनने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला के पका लेंगे। टमाटर पूरी तरह से इसमें गल जाना चाहिए, तो इसे हम ढक करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जिससे टमाटर पूरी तरीके से गल जाए। टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो अभी हम इसमें ये गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला दें और गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखें। इसे अच्छे से मिला देने के बाद हमने जो ये पेस्ट तैयार करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि इसमें जो भी मसाले हैं ये अच्छी तरीके से पक जाए, इसमें कच्चा टेस्ट ना रहे। 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। मसाले तैयार हो चुके हैं, मसालों से घी अलग होने लगा है, तो अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला दें। लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिला दें। तैयार है हमारा ये डिलीशियस कोरिएंडर राइस। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तैयार है ये मेरी कोरिएंडर राइस की रेसिपी। इसे रायता सलाद के साथ सर्व करें। जो बैचलर्स हैं, ऑफिस गोइंग हैं या बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत आसान रेसिपी है। साथ ही साथ बच्चों को अपने स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में भी ये बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।